सारी गाड़ियाँ जो भी आती हैं, आपको पता है पंप्स वगैरह पे जितनी गाड़ी आती है, सारी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे सारी। सबसे मजा किस गाड़ी को धोने का आता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद है 18 साल की रिद्दा, जो कि मर्दों की तरह जो है गाड़ियाँ धोती है। ये काम बड़ा मेहनत वाला काम है, पूरा दिन ये गाड़ियाँ धो के रिज कमाती है और मेहनत हलाल का कमाती है। पाकिस्तान की पहली लड़की है मेरे ख्याल से जो कार वाश गाड़ियाँ बड़ी बड़ी धोती है, सारी गाड़ियाँ धोती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिद्दा। रिद्दा, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। तो मुझे ये बताएं कि आप कब से ये गाड़ियाँ धो रही हैं? मुझे 4 ईयर्स हो गए हैं। 4 साल हो गए? हाँ जी, 4 साल से आप गाड़ियाँ धो रही हैं। हाँ जी। क्यों गाड़ियाँ धोती हैं? क्या आपके वालिद साहब या कोई आपके खानदान में भी करते थे या आप खुद अकेली इसमें? नहीं नहीं, मेरे जो वालिद थे वो भी ऐसे करते थे, मतलब उनका भी यही पीछे काम था गाड़ियाँ वॉश करना, तो उन्हीं से मैंने ये सीखा, तो मैं भी यही करती हूँ। अच्छा, वालिद साहब के बाद अब आप ये काम करते? हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें इस काम करने में कभी आर महसूस की है, शर्म महसूस की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेहनत में कोई शर्म नहीं। ठीक है, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, हम मेहनत करके कमाते हैं, किसी की बात सुनने की भी हमें ये नहीं होती कि हम किसी की बात सुने, किसी के आगे हाथ फैलाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप किसके आगे हाथ फैलाते हैं? अल्लाह के आगे। अल्लाह देता है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत का सिला अल्लाह देता है? हाँ जी, मेहनत का सिला अल्लाह ताला देते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको 4 साल हुए, तो आप कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे धोती हो? सारी गाड़ियाँ जो भी आती हैं, आपको पता है पंप्स वगैरह पे जितनी गाड़ियाँ आती हैं, सारी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे सारी। सबसे मज़ा किस गाड़ी को धोने का आता है? मुझे सिविक गाड़ी। सिविक का मज़ा? हाँ जी, क्योंकि वो खूबसूरत है। हाँ जी। कौन से कलर की? वाइट, ब्लैक? वाइट। वाइट ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ जी। तो ये बताएं, आपकी सहेलियाँ, आपकी दोस्तें या रिश्तेदार बातें करते हैं कि लड़की हो गई है मर्दों वाला काम करती है? नहीं, बातें करने से क्या होता है। ठीक है, हम मेहनत करके कमा रहे, बातें करते हैं तो करें, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। दिन में कितनी गाड़ियां धो लेती हो? 30। 30 गाड़ियां? हाँ जी। तो कितना कमा लेती हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम दिन का 3000। हाँ जी, 3000। दिन का 3000? हाँ जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जो हाथ फैलाते हैं, जो एक लड़कियां भीख मांगती, गलत काम करती हैं, भीख मांगती, उनको क्या मैसेज होगी? उनको मैं यही कहूँगी कि भीख मांगने से बेहतर है मेहनत कर लो, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाओ, लोगों से मांगने से बेहतर है कि आप मेहनत कर लें कुछ। हाँ जी, और अपने अल्लाह से मांगे। हाँ जी, रब मेहनत करने वालों का दोस्त है। ठीक है, और उस रिजक में बरकत भी होती है। ठीक है, और हमें सुकून भी मिलता है। और हमें सुकून भी मिलता है। नाज़रीन, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। नाज़रीन, ये स्टोरी थी रिद्दा की, मोटिवेशनल स्टोरी, जो एक लड़की हो के, नाजुक होके, लेकिन मर्दों वाला काम करके ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी धोती है, मेहरान, कल्टस, सारी सिविक तक धोती है, आपने जैसे कि देखा। तो ये मेहनत का मैसेज देती है कि हाथ मत फैलाएं, मेहनत करें, मेहनत में ही बरकत है, मेहनत में ही अजमत है, मेहनत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ये आज का मैसेज था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरी और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आप पर गाड़ी क्या चार्ज करती हैं? हर गाड़ी का डिफरेंट रेट है। ठीक है, जिस तरह के हम 250 हम लेते हैं वॉश करने का, और 500 हम सर्विस लेते हैं। 500 सर्विस? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि गाड़ियाँ धोते धोते कभी हाथों को दर्द ये नहीं होता, घर जाती हो तो दर्द, जिसम में दर्द होता ही होगा? नहीं नहीं, मेहनत करने में क्या, जब हमने करनी मेहनत है, ठीक है, तो फिर क्या दर्द। चलो, मेहनत करनी है, लेकिन एक काम, दुपट्टा सर पे लाजमी रखना आज से। ठीक है? ओके, रखो दुपट्टा, आज के बाद दुपट्टा रखना है। ठीक है? ठीक, ये बात है। हाँ जी, बात है, दुपट्टा रख के काम करना। चले, लोगों का नहीं पता लोग कैसे हैं। चले, हाँ जी, चले, थैंक यू, थैंक। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें।